निष्ठा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। निष्ठा का अधिकार मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्ठा के अधिकार पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्ठा के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिया। 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया। फैसले के बाद देश के किसी भी नागरिक की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकेगी। पीठ ने कहा है कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकारों का हिस्सा है। निजता की सीमा तय की जा सकती है। कानून बनाने पर निजता के अधिकार को चुनौती संभव है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि निजी सूचना लीक नहीं की जा सकती। राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार नहीं है, उसको ओवर रूल कर दिया है, बोला है कि मौलिक अधिकार है। इसका ये मतलब है कि अब अगर सरकार कोई कानून बनाती है, जैसे आधार का कानून बनाया है, जिसमें ये बोला है कि अभी तो ये बोला है कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार नंबर देना होगा, इनकम टैक्स के लिए आधार नंबर देना होगा, ये तो एक बात है। इसको अब सरकार को झटका। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताकर अब सुप्रीम कोर्ट ने 1954 और 1962 के अपने फैसले को पलट दिया है। 1962 में 6 जजों की बेंच ने कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हाल ही में निजता के अधिकार का मामला सामने तब आया जब कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार ने आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आधार योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर दिया है। राइट टू प्राइवेसी को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं। अब कोर्ट के फैसले से सरकार को झटका लगा है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि निजता का अधिकार मूल अधिकार नहीं है और नागरिकों से इकट्ठे किए गए उनके निजी डेटा की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय मौजूद हैं। इस फैसले का सोशल नेटवर्क व्हाट्सएप की नई निजता नीति पर भी असर पड़ेगा। थ्रू इन्फॉर्मेशन रिलीज होनी है, वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आने में इंडिविजुअल सिटीजन इसको डिनाई कर सकता है, मतलब इसको लिखने से मना कर सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, इसका हनन हो रहा है। हालांकि हो सकता है इंडिविजुअल राइट्स के लिए सेपरेटली बेंचेस बन के उसको डिसाइड करें, लेकिन जहां तक ताल्लुक है मेन पिटीशन का, जिसने ये चैलेंज किया था कि ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, और 9 जजेस की बेंच इसलिए बनी क्योंकि 8 जजेस का फैसला ऑलरेडी उलट था कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए आज बहुत बड़ी जीत है भारतीय सिटीजन के लिए। फैसले के मायने क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आधार कार्ड पर नहीं आया है। आधार कार्ड पर अलग 5 जजों की बेंच फैसला करेगी। इस फैसले के बाद आपसे बेवजह जानकारी नहीं पूछी जा सकती है। कि 45 साल 40 साल के ज्यूरिसप्रूडेंस के बाद जब ये क्वेश्चन सवाल उठाया गया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने यूनानिमसली सेटल कर दिए हैं कि प्राइवेसी जरूर फंडामेंटल राइट है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके आधार के साथ लेना देना कम ही होगा, क्योंकि आधार एक अलग बेंच के सामने है, वो अलग से सुना जाएगा, सुनवाई अलग से होगी, पर प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, ये आज एस्टैब्लिश्ड हो गया। 21वीं सदी में जिस तरह से सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं, उससे इस फैसले का बड़ा असर पड़ेगा। अदालत के इस फैसले के बाद अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकेंगी। अगर सरकार रेल टिकट और फ्लाइट टिकट और दूसरी चीजों में भी आधार को जरूरी बनाती है, तो इसके खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी।